आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी मसालेदार फिश करी, वो भी होममेड फिश मसाला पाउडर के साथ। यहाँ पे मैंने रोहू फिश का यूज़ किया है, आपके पसंद के अनुसार कोई भी मछली यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। पहले हम होममेड फिश मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। पैन में एक चम्मच काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को रोस्ट करेंगे। याद रखें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम में होना चाहिए। काली मिर्च अच्छे से भूनने के बाद उसे निकाल के बाकी मसालों को एक एक करके भून लेंगे। धनिया 2 टेबल स्पून, रेड चिली मुट्ठी भर या 20 से 25, जीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, मेथी 1/2 टेबल स्पून, लौंग 8 से 10, दालचीनी 2 इंच का पीस, सरसों या मस्टर्ड सीड 1 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट करके थोड़ा ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडर जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेते हैं। हमारा फिश पाउडर रेडी है, तो हम एक टेस्टी सा फिश करी बनाएंगे इस मसाले से। यहाँ पे 750 ग्राम रोहू फिश को अच्छे से धो के मैंने नमक और हल्दी मिला के रख लिया है। कढ़ाई में तेल गरम करके फिश को फ्राई कर लेंगे एक एक करके। मैंने सब मछली फ्राई कर लिया है। अब हम फिश करी के लिए ओनियन, जिंजर, गार्लिक एंड टमाटो पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज को रफली काट लिया है। फिर मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। बाद में 2 इंच अदरक और 20 से 25 लहसुन और 2 टमाटर को काट के मिक्सर में पीस लूँगी। अब बचे हुए तेल में ही हम फिश करी बनाएंगे। उसी तेल को गरम करके 1 टीस्पून चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है। फिर मिलाना है। फिर ओनियन पेस्ट डाल के अच्छे से सॉटे करेंगे। ओनियन पेस्ट 1 मिनट तेल में फ्राई करने के बाद जिंजर गार्लिक एंड टमाटो पेस्ट भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाफ टी स्पून हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून फिश मसाला पाउडर जो हमने बनाया था ना डाल के बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। फिर हमें ग्रेवी जितना थिक चाहिए उसी अनुसार पानी डाल के एक उबाल आने देना है। फिर फ्राई किया
किया हुआ मछली को डाल के और एक उबाल आने देना है। कितना अच्छा फिश करी बना है ना, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए घर में। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।